आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आजकल एक फॉर्म है इनकम टैक्स का, जिसे लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। फॉर्म का नाम है 10IEA। सर, ये फॉर्म है क्या, और ये पिछली बार का जो फॉर्म था हमारा, फॉर्म 10IE, उससे ये कैसे डिफर करता है? दोनों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत लोग गलती कर सकते। पहले तो इस चीज को आपको समझना होगा, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR भरने की सोच रहे हैं, इनकम टैक्स ने डेटा दिया है कि बहुत सारे लोगों ने ITR भरना शुरू भी कर दिया है, तो भैया इसे लेकर एक कन्फ्यूजन लोगों के बीच में हो रही है कि जो इनकम टैक्स की हम रिटर्न भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, तो उसमें इशू क्या आ रहा है। इशू भैया इस चीज़ में ये आ रहा है कि जो ना हमारा इनकम टैक्स के दो रिजीम है, एक है हमारा न्यू टैक्स रिजीम और एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है वो इस बार डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन गया है। सर, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब क्या है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी रिजीम नहीं चुनते हो तो आपकी इस बार की जो ITR है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो ITR है, वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चली जाएगी। और अगर वो आपकी ITR न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चली जाती है तो सर इसमें नुकसान क्या होगा? भाई, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ना बहुत सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलती, ठीक है ना, बहुत सारी एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो वहां पर जो लोग डिडक्शंस क्लेम करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो बहुत सारे लोग आज भी ओल्ड रिजीम को प्रेफर करते हैं। तो सर हम ये ओल्ड रिजीम कैसे लें? तो भैया अगर आप ये ओल्ड रिजीम लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए और वहां पर जाकर आप एक नया फॉर्म जो हमारा आया है, फॉर्म 10IEA, इसे भर दीजिए। अगर आप इसे भर देते हैं तो हम आपको ओल्ड टैक्स रिजीम दे देंगे, और अगर आप इसे नहीं भरते हैं तो हम आपको ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं देंगे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन लोगों को और आ गई। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि ये जो फॉर्म 10IE है, इसके अंदर दिक्कत क्या है कि आपको ये जो फॉर्म 10IE भरना है, ये आपको भरना है अपनी रिटर्न की ड्यू डेट से पहले। तो अगर हमारी रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई है तो हमारे को इसे इससे पहले भरना है, ठीक है ना, इसके बाद आप इसे नहीं भर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है कि लेट सपोज करो मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ और मैं ITR में डिडक्शंस क्लेम करना चाहता हूँ, तो सैलरीड एम्प्लॉई को ITR में डिडक्शन क्लेम करनी है, वो ओल्ड रिजीम लेना चाहता है। तो भैया ओल्ड रिजीम अगर आप लेना चाहते हो, चूंकि आप ठीक है ना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू रिजीम में है, तो आपको फॉर्म 10IE भरना पड़ेगा। सर, ये फॉर्म 10IE भरे कैसे? सैलरी वाला व्यक्ति इसे भर ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सैलरी वाला व्यक्ति जब अपनी ITR भरेगा, जब अपनी ITR फिल करेगा, तभी वो इसे भरेगा। और इस बात को ध्यान रखो, ये आपको ड्यू डेट से पहले भरनी है। तो अब आपका अगर क्वेश्चन मेरे से है, क्या सैलरी वाला व्यक्ति अपनी ITR 1 अगस्त को भर सकता है? क्या सैलरी वाला व्यक्ति ITR 1 अगस्त को भर सकता है? आंसर इज यस। क्या वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भर सकता है? आंसर इज नो। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई देखो, जब आप लो को पढ़ोगे तो लो क्या कह रहा है कि भाई आप ये फॉर्म 10IE अपनी ड्यू डेट से पहले भर दो। और ड्यू डेट से पहले भरने का मतलब क्या है कि रिटर्न से पहले भर दो, ठीक है ना, तो रिटर्न भी आपको पहले भरनी पड़ेगी। तो आप अगर अपनी रिटर्न लेट फाइल करेंगे इस बार 1 अगस्त को, 31 जुलाई से के बाद फाइल करेंगे, तो आप चाह कर भी अपनी बिलेटेड रिटर्न, जो आपकी बिलेटेड रिटर्न है, वो आप ओल्ड रिजीम में नहीं भर सकते अगर आप सैलरी पर्सन है। सर, बिजनेस वालों के लिए क्या है? अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए बोला है कि भाई अगर आप ये नया फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको ये अलग से भरना पड़ेगा, ITR से अलग। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम पोर्टल पर जाकर ये फॉर्म 10IE भरते हैं तो यहाँ पर हमारा आ रहा है इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर जाना है। तो अगर आप यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर जाएंगे तो ये फॉर्म 10IE क्या कह रहा है? एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC। 115BAC का क्या मतलब हो गया? न्यू टैक्स रिजीम, कि अगर आप वहां से विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म भरना है। पिछली बार ये फॉर्म उल्टा था, ठीक है ना। तो अगर किसी को न्यू टैक्स रिजीम लेना था तब फॉर्म 10IE भरना था, लेकिन अगर आप इस बार आपको
ओल्ड टैक्स रिजीम लेना है तब ये भरना। चलिए इसे भरने की शुरुआत करते हैं। तो जब हम इसे भरने जाते हैं तो हमारा पैन नंबर, ठीक है ना, आ जाता है। तो हमने कहा भाई ये कौन से साल के लिए भरना है, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भरना है। किसके लिए भरना है जी, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब जब हम इस ऑप्शन को भरने जा रहे हैं तो जब आप इसका रूल पढ़ेंगे, इसका रूल है 21AGA, ये वाला इसका रूल है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो जब हम इसे भरने जा रहे हैं तो ये सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई क्या तुम्हारी इनकम पीजीबीपी से है। मैंने कहा नहीं भैया मेरी इनकम पीजीबीपी से नहीं है। तो मुझे क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आप इस फॉर्म को तभी भरेंगे, आप इस फॉर्म को तभी भरेंगे जब आप अपनी रिटर्न फाइलिंग कर ले होंगे। तो अब यहां से क्लियर हो गया आपको, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं तो मुझे अपनी रिटर्न के साथ, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ये वाले फॉर्म को भरना पड़ेगा। और ये वाला फॉर्म 1 अगस्त के बाद आप भर नहीं सकते। तो यहां से नटशेल में क्या निकल कर आ गया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, नटशेल में ये निकल कर आ गया कि आप 1 अगस्त के बाद अपनी रिटर्न तो भर पाएंगे लेकिन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भरनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर अब आपको करना क्या है, अगर आपके कोई 200 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट है, 400 क्लाइंट है, तो आप पहले उन क्लाइंटों की लिस्ट बना लो। उन क्लाइंटों की लिस्ट बनाकर ये चेक कर लो कि भाई किन लोगों की रिटर्न हमारे को ओल्ड टैक्स रिजीम में भरनी है, किन लोगों में हमें डिडक्शन लेनी है, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में भरनी है तो कितने लोगों की बिजनेस इनकम है। तो जिन लोगों की बिजनेस इनकम है वहां पर आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दो, क्योंकि अगर आपने जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को नहीं भरा और बातों बातों में 31 जुलाई निकल गई तब आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। और अगर आपकी कोई ऐसी रिटर्न है, ITR 1 है, ITR 2 है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, तो वो ITR इस बार आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले भरनी है। नहीं सर मैं तो 1 अगस्त को भर दूंगा, भर देना भाई 1 अगस्त को, लेकिन आप, ठीक है ना, उस केस में न्यू टैक्स रिजीम लेना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। तो ये फॉर्म 10IEA है, तो मैं इसे आपको भर के दिखा देता हूं कि भाई मुझे पता है मेरी इनकम बिजनेस इनकम है और मैं डिडक्शन लेना चाहता हूं और मेरी इनकम टैक्स के रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर होती है। तो मैंने यहां पर इसे टिक कर दिया और कंटिन्यू कर दिया, इसे मैंने टिक कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। इसमें बेसिक डिटेल ये पूछ रहा है कि भाई आप एक बार और सोच लो, आप एक बार सोच और सोच लो, क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ मैंने सोच लिया, मैं तो डिडक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैंने ये डिटेल डाल दी। फिर ये कहता है कि कहीं कोई आपकी इंटरनेशनल असेट्स वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया मेरी ऐसी कोई नहीं है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, नो कर दिया, ठीक है ना, मैंने इसे नो कर दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन डाली कि भाई मैं कपिल जैन, ठीक है ना, सन ऑफ, अपने फादर का नाम डाला और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया मैं माँ कसम खा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं माँ कसम खा रहा हूँ कि भाई मैं जो है ना नए टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न नहीं भर रहा, अपने पूरे होशो आवास में, ठीक है ना, नए टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट हो रहा हूँ, मैं नए टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट हो रहा हूँ। और इसे भर के मैंने यहाँ पर सेव कर दिया और अब मैं इसे सबमिट कर सकता हूँ, अब मैं इसे सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो इसका मतलब अब आप अगर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप अब डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आराम से अपनी डिडक्शंस को क्लेम कर पाएंगे। ये ईवीसी के थ्रू आप, ठीक है ना, डीएससी के थ्रू इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई पहले ही आप चेक कर लें कि ये नया फॉर्म 10IE है क्या, किसे भरना है। सैलरी वाले बिल्कुल ध्यान रखें, ITR 1 और 2 वाले बिल्कुल ध्यान रखें, उसके लिए ये जो फॉर्म है अलग से नहीं मिलेगा, आपको अपनी रिटर्न के साथ ही मिलेगा। पता चले आप रिसर्च करने चक्कर में 1 अगस्त को फॉर्म भरने जाओ, अपनी ITR भरने जाओ, तो आपको ये मना कर दे कि भाई अब ना ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं है, अब आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम लेना पड़ेगा और उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो भैया क्या करना क्या है, आपको जितने भी नए फॉर्म आए हैं उसमें क्या चेंजेज है, ITR 1 2 4 कैसे फाइल करें, ये सारी की सारी चीजें हम बताएंगे इस संडे को। तो फटाफट से हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें हम आपको सारी डिटेल के अंदर ये चीजें बताएंगे। और हाँ, एक हमने ना RCM के ऊपर एक वेबिनार और रखा है, अगर आप RCM के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं GST में तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। आपको हमारी RCM की बुक तो मिली गई होगी, अगर किसी को अभी तक हमारी RCM की बुक नहीं मिली है तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें और उस बुक को प्राप्त करें। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।